हे क्यूरियस पीपल, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि एक तितली अगर ब्राजील में अपने पंख हिलाती है तो टेक्सास में टॉर्नेडो या चक्रवात आता है, तो आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। वेल, इसी थ्योरी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है, जिसे एडवर्ड नॉर्टन लॉरेंस ने सन 1963 में दिया था। सो मैं हूँ क्यूरियो एंड लेट्स नो अबाउट बटरफ्लाई इफेक्ट विथ मी। इसमें इन्होंने बताया कि एक छोटी सी चीज भी आगे चलकर एक बहुत बड़ी चीज में तब्दील हो सकती है। जैसे 28 सितंबर 1918 में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच वर्ल्ड वॉर वन में हेनरी टेंडे नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर के सामने एक घायल जर्मन अफसर पड़ा हुआ था और हेनरी उसे बड़े आराम से मार सकते थे, पर उन्होंने दया दिखाई और उसे छोड़ दिया। उन्होंने सोचा होगा कि या तो घायल ही है या किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा, और वह घायल व्यक्ति था अडोल्फ हिटलर। अब आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जीवित के साथ किए गए अत्याचार, लाखों लोगों की जाने गईं, कितने ही महान लोग जो आज की दुनिया को पलट कर रख सकते थे, वो सब आज हेनरी की दया के कारण मारे गए। तो देखा आपने, एक छोटी सी बात से दुनिया का इतिहास ही बदल गया। एडवर्ड लॉरेंज एक मीटियोरोलॉजिस्ट या अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री हैं। उन्होंने एक मशीन बनाई जो कि मौसम की प्रेडिक्शन करती थी। एक बार मौसम प्रेडिक्ट करते हुए उन्होंने देखा कि मौसम बिल्कुल साफ है, और आधे घंटे बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उन्हीं संख्याओं को डालने पर मौसम बिल्कुल ख़राब दिखा रहा है, और उन्होंने तो सारी संख्याएं सेम ही डाली थी। थोड़ा ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि उन्होंने 6 decimal places वाले नंबर को 3 decimal places तक ही राउंड ऑफ कर दिया था, और इसी छोटे से 0.000123 के अंतर से एक तूफान आना निश्चित हो गया था। और अब आप समझ गए होंगे कि इसी कारण से मौसम कभी भी सटीकता से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इस पिक्चर पर आप देख पा रहे होंगे कि उस छोटे से 0.000123 के चलते सिचुएशन आगे चलकर कैसी हो गई। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक बार महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका की ट्रेन से इंडिया वापस आ रहे थे। तब वे ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठकर आ रहे थे, और तभी कुछ ब्रिटिशर्स आते हैं और उन्हें इंडियन होने के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। और उस दिन से ही महात्मा गांधी ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो भारत को आज़ादी दिला कर ही रहेंगे। और फिर उसके बाद से तो आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी का भारत को आज़ाद करने में कितना बड़ा हाथ है। पर क्या होता अगर उस दिन ट्रेन से उन्हें ना निकाला जाता? वेल, तब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती थी। तो देखा आपने, कितनी छोटी छोटी बातें आगे चलकर कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती हैं। और इसी थ्योरी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और मेरा लिया हुआ एक छोटा सा डिसीज़न आपको आगे चलकर ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा, और आपका भी लिया हुआ एक छोटा सा डिसीज़न मुझे ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। तो ये एक मोटिवेशनल बात भी है कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स भी लेंगे तो आगे चलकर वो डेफिनेटली किसी बड़े आउटकम में रिजल्ट करेगा। मुझे बटरफ्लाई इफेक्ट जानने पर एक ही बात आश्चर्य कर रही थी कि अगर उस दिन उस ब्रिटिश ऑफिसर ने हिटलर को मार दिया होता तो आज की दुनिया कितनी ही अलग होती। ना तो दूसरा विश्व युद्ध होता और ना ही लाखों लोग मारे जाते। सो ये था बटरफ्लाई इफेक्ट, जो कि मैंने अपनी पूरी चाह से आपको समझाने की कोशिश की। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और हम ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते अपलोड करते रहते हैं। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।